अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। ये मैंने 3 प्याज डाल दिए, अभी इसमें मैं ऑयल डालूंगी। तकरीबन 1 कप ऑयल डाल दिया मैंने। साबुत लहसुन ये डाल दूंगी। साथ में गरम मसाला साबुत डाल दूंगी। आज खड़े खड़े मसाले होंगे, मैंने साबुत साबुत चीज़ों से हड्डी गुड़िया का सालन बनाऊंगी। गोश्त डाल दूंगी और ये हड्डी डाल दूंगी। आधा किलो गोश्त है और आधा किलो हड्डी है, ये मैंने डाल दिए। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक का डालूंगी। ये 1 चम्मच नमक डाल दिया मैंने। अभी मैं इसे दस मिनट के लिए अच्छे से भूनूंगी। अच्छे से प्याज भी भुन जाएगा, गरम मसाला और साथ में ये गोश्त। फिर इसमें मैं 1 गिलास पानी का डाल के ढक दूंगी। मसाले उसके बाद मैंने डालने हैं, और क्या क्या डालने हैं वो मैं आपको जब कुकर खोलूंगी फिर बताऊंगी। वीडियो मेरे साथ देखनी है, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर भी ज़रूर करनी है। ये देखें भाई, कुकर मैंने खोल लिया। हमारे तरफ तो सर्दी है, इसकी वजह से अब जो कुछ भी बनाएंगे उसमें धुआं ही नज़र आएगा, क्योंकि भाप इतनी ज़्यादा होती है फिर धुआं ही धुआं होते हैं। तो इसके लिए तो माजरत ही कर सकते हैं, पूरी सर्दियों में ये आपको देखना पड़ेगा। और मैं दिखा आपको ये रही थी कि ये देखें, जो मैंने प्याज डाला था, लहसुन डाला था, वो सब कुछ गल चुका है, मिक्स हो चुका है, अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। तो बीच में दिखाती हूँ तो आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने ये चम्मच में उठा के फिर आपको दिखा रही हूँ। तो अभी इसमें मैं कुछ और चीज़ें मैं शामिल करूँगी। ये देखें, अच्छे से मसाला, तकरीबन इसकी ग्रेवी जो है वो बन गई है ना, बड़ी अच्छी सी ग्रेवी बनी है, अच्छी सी चिकनाई भी है, और साथ में लहसुन और साथ में प्याज की अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। ये देख सकते हैं, मैं उठा इस रही हूँ, बीच में धुआं धुआं नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो अब सर्दी में जो भी बनाएंगे उसमें ये धुआं वगैरह तो आपको नज़र आना आएगा ना, इसके लिए तो माजरत कर सकती हूँ। अभी मैं कुछ मसाले भी डालूंगी और टमाटर भी डालूंगी। सालन में धुआं बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 2 चम्मच मिक्स मसाला डाला है, और आधी चम्मच लाल मिर्च डाले, और साथ में आधी चम्मच खुशबू वाला मसाला डाला है। ये मैंने डाल दिए, शायद डालते वक्त स्किप हो गया मुझसे, तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ। नमक और गरम मसाला मैंने पहले में डाला हुआ है, इसको अच्छे से भूनेंगे। इसकी देखें हाँ, कितनी अच्छी सी ग्रेवी बन गई है, ये देखें, चेक करें। अब देखते मैं तो चेक करा नहीं सकती, सर्दी है, धुआं ही धुआं है। टमाटर डाल रही हूँ, टमाटर मैंने पेस्ट बनाया टमाटरों का, वो डाला है, छिलका मैंने उतार दिया है। अभी इसको अच्छे से भूनेंगे। मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, थोड़ा धुआं कम हो जाए तो मैं आपसे बात भी करती हूँ। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है, इसमें मैंने 1 आलू डाला है। जब ये आलू पक जाएगा तो उसको मैश करके मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सालन
गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने एक आलू डाला है। ये पकने के बाद इसको थोड़ा मैश करेंगे तो सालन अच्छे से बन जाएगा। 3-4 पीस करके मैंने डाल दिए ना, तो बड़े अच्छे से इसकी ग्रेवी बनेगी। जब ये तैयार होगा फिर मैं डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अभी मैं 5 मिनट के लिए सीटी लगा देती हूँ और 2 मिनट के लिए तेज़ रखूँगी, फिर 3 मिनट के लिए हल्का रख करके थोड़ा दम पे रख दूँगी। जब ये तैयार हो जाएगा फिर मैं डिश में निकाल के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ ये कैसे लग रहा है।